हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने जनरल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स को फिनिश किया था। बहुत ही बढ़िया तरीके से हमने सभी जो इम्पोर्टेंट जनरल प्रॉपर्टीज़ है ट्रांजिशन मेटल्स की वो हमने देख ली थी बहुत ही अच्छी तरीके से। अब हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पर दो कंपोनेंट जो आपकी एनसीईआरटी में गिवन है, एक है पोटेशियम डाइक्रोमेट और दूसरा है पोटेशियम परमैंगनेट। ठीक है, तो अलग अलग सेपरेट वीडियो हम बनाएंगे इसके लिए। तो पोटेशियम डाइक्रोमेट आज हम पढ़ेंगे, इसकी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी भी बहुत ही बढ़िया तरीके से डिस्कस करेंगे, दूसरी जो प्रॉपर्टीज है वो भी हम देखेंगे, है ना। क्रोमेट्स एंड डाइक्रोमेट्स आयन का फॉर्मेशन कैसे होता है, इन पर पीएच का क्या इफेक्ट पड़ता है, और ये पीएच वाला जो क्वेश्चन है ये आपकी एनसीईआरटी में भी है, तो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वीडियो। ठीक है, तो प्लीज़ गाइज फोकस के साथ में, फुल कंसंट्रेशन के साथ में आपको ये वीडियो देखना है, एंड तक देखना है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रिपरेशन करेंगे पोटेशियम डाइक्रोमेट की, इसके बाद हम इसकी प्रॉपर्टीज देखेंगे, एंड देन फिर जो क्रोमेट्स डाइक्रोमेट्स आयन है वो उन पर पीएच का क्या इफेक्ट होता है ये सब कुछ देखेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल पोटेशियम डाइक्रोमेट की प्रिपरेशन में क्या लिखा है, देखिए यहां पर मैंने समराइज कर दिया है पहले आपके लिए ताकि आपको थोड़ा सा ओवरव्यू मिल जाए, ईजी हो जाए, है ना। तो देखिए फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, आयरन क्रोमाइट, ये आयरन क्रोमाइट का फॉर्मूला है। ठीक है, तो आयरन क्रोमाइट के थ्रू हम बनाएंगे यहां पर सोडियम क्रोमेट। ठीक है, आयरन क्रोमाइट के थ्रू हम बनाएंगे यहां पर सोडियम क्रोमेट, इस सोडियम क्रोमेट के थ्रू सेकेंड प्रोसेस में हम बनाएंगे सोडियम डाइक्रोमेट, और ये सोडियम डाइक्रोमेट फिर थर्ड स्टेप में क्या बनाएगा, पोटेशियम डाइक्रोमेट। ठीक है, पहले आयरन क्रोमाइट लेना है, ये किस में कन्वर्ट होगा, सोडियम क्रोमेट में, सोडियम क्रोमेट सोडियम डाइक्रोमेट में, और सोडियम डाइक्रोमेट पोटेशियम डाइक्रोमेट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये तीन प्रोसेस है, बहुत ही सिंपल है, कोई ज्यादा खास नहीं है, टेंशन नहीं लेना है हमें। ठीक है, चलिए तो देखते हैं फर्स्ट स्टेप में क्या लिखा है, द आयरन क्रोमाइट ओर इज मिक्स्ड विथ सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 इन प्रेजेंस ऑफ एयर टू गिव Na2CrO4, है ना, ये किसका फॉर्मूला है, सोडियम क्रोमेट का फॉर्मूला है। ठीक है, तो जब आयरन क्रोमाइट मिक्स होता है सोडियम कार्बोनेट के साथ में, और किसके प्रेजेंस में, एयर के प्रेजेंस में, तो सोडियम क्रोमेट का फॉर्मेशन होता है। चलिए तो रिएक्शन देखते हैं, सबसे पहले हमें लेना है आयरन क्रोमाइट। ओके, चलिए अब आयरन क्रोमाइट, फिर सोडियम कार्बोनेट और ऑक्सीजन, है ना, ये तीनों जब मिक्स होंगे तो क्या बनेगा, सोडियम क्रोमेट बनेगा, Fe2O3 बनेगा, और कार्बोनेट ग्रुप है यहां पर, देखिए कार्बोनेट ग्रुप है तो ऑब्वियसली सिंपल सी बात है कार्बन डाइऑक्साइड तो यहां पर प्रोड्यूस होगी ही होगी। ठीक है, तो ये अगर आप याद ना रखें बाय प्रोडक्ट तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप सोडियम क्रोमेट याद रखेंगे तो भी चलेगा आपकी एग्जाम में, है ना, कोई टेंशन नहीं लेना है ना। तो जब हम आयरन क्रोमाइट को सोडियम कार्बोनेट और ऑक्सीजन के साथ में हीट करते हैं या रिएक्शन करवाते हैं तो सोडियम क्रोमेट का फॉर्मेशन होता है, और इस सोडियम क्रोमेट को हमें फिर से लेना है, है ना, ये इज अ मेजर प्रोडक्ट होगा यहाँ पर, मेन प्रोडक्ट होगा हमारा। चलिए सेकेंड स्टेप में क्या लिखा है, Na2CrO4 इज एसिडिफाइड विद H2SO4 टू गिव सोडियम डाइक्रोमेट Na2Cr2O7, है ना। जब Na2CrO4 सोडियम क्रोमेट एसिडिफाइड होता है किसके साथ में, H2SO4 के साथ में, तो क्या बनता है, सोडियम डाइक्रोमेट बनता है, Na2Cr2O7 बनता है। चलिए तो रिएक्शन देखते हैं, Na2CrO4, है ना, ये हमने क्या लिया है, सोडियम क्रोमेट लिया है, इसकी रिएक्शन हमने H2SO4 के साथ में करवाई, है ना, एसिडिफिकेशन यहां पर हुआ है इसका, तो क्या बना, सोडियम डाइक्रोमेट Na2Cr2O7 प्लस Na2SO4 साथ में H2O, वाटर मॉलिक्यूल बाहर हो गया। देखिए वाटर मॉलिक्यूल तो बाहर होगा ही होगा, क्यों होगा, क्योंकि H2SO4 क्या है, वाटर मॉलिक्यूल को एग्जिट कर देता है ना, डिहाइड्रेटिंग एजेंट है ये, डिहाइड्रेट यानी कि डिहाइड्रेट करना, यानी कि वाटर मॉलिक्यूल को एग्जिट कर देना। ठीक है, तो यहां पर ये सेकेंड रिएक्शन भी आपको अच्छे से क्लियर है, जब सोडियम क्रोमेट की रिएक्शन H2SO4 के साथ में होती है तो सोडियम डाइक्रोमेट का फॉर्मेशन होता है। अब ये सोडियम डाइक्रोमेट क्या करेगा, अब किसके साथ में रिएक्शन करेगा, KCl के साथ में, है ना, क्योंकि KCl के साथ में हमने रिएक्शन क्यों करवाई, देखिए सोडियम डाइक्रोमेट तो बन गया है, अब इससे हमें क्या बनाना है, पोटेशियम डाइक्रोमेट, सिर्फ सोडियम की जगह हमें चाहिए पोटेशियम, तो सिंपल सी बात है सोडियम को रिप्लेस करके हम पोटेशियम ऐड कर देंगे, तो पोटेशियम कंटेनिंग कोई कंपाउंड चाहिए हमें, तो इसीलिए हमने यहां पर KCl से रिएक्शन करवाई।
ठीक है। और एक बात ये भी है कि सोडियम डाइक्रोमेट जो होता है वो हाईली सोल्यूबल होता है, ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन वाटर में, ठीक है। तो क्या होता है, सोडियम डाइक्रोमेट इज ट्रीटेड विद KCl टू फॉर्म पोटेशियम डाइक्रोमेट, है ना। सोडियम डाइक्रोमेट से पोटेशियम डाइक्रोमेट कब बनेगा, जब हम इसकी रिएक्शन KCl के साथ में करवाएंगे, क्योंकि पोटेशियम कंटेनिंग कंपाउंड हमें चाहिए सोडियम को रिप्लेस करने के लिए। तो Na2Cr2O7 की रिएक्शन जब KCl के साथ में होती है तो K2Cr2O7 बन जाता है, जो हमारा मेन प्रोडक्ट है, जो हमें बनाना था, जिसकी प्रिपरेशन हमें करनी थी। तो K2Cr2O7 बन चुका है, पोटेशियम डाइक्रोमेट कहते हैं इसको, और NaCl एग्जिट हो जाएगा, है ना। यहां से Na और यहां से Cl, ठीक है। इक्वेशन बैलेंस मैंने नहीं की है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप बैलेंस करना चाहें तो कर सकते हैं, है ना। यहां पर 2 आ जाएगा और यहां पर भी 2 आ जाएगा, सभी रिएक्शन इसी तरह से आप बैलेंस कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, ठीक है। तो ये तो थी प्रिपरेशन मेथड K2Cr2O7 यानी कि पोटेशियम डाइक्रोमेट बनाने की। चलिए अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हम देख लेते हैं। फर्स्ट लिखी है, इट इज एन ऑरेंज क्रिस्टलाइन सॉलिड विथ मेल्टिंग पॉइंट 670 केल्विन, कहीं कहीं 669 केल्विन भी लिखा हुआ होगा, टेंशन नहीं लेना है, कोई बात नहीं, एक ही बात है, है ना। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, ऑरेंज क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है और इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, 670 केल्विन या 669 केल्विन, है ना, ऑरेंज कलर का क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। सेकंड लिखा है, पार्शियली और लेस सोल्यूबल इन कोल्ड वाटर बट इजीली सोल्यूबल इन हॉट वाटर, है ना। कोल्ड वाटर में इजीली सोल्यूबल नहीं होता है और जो हॉट वाटर होता है उसमें इजीली सोल्यूबल हो जाता है, आसानी से घुल जाता है हॉट वाटर में, ठीक है। अब जो थर्ड प्रॉपर्टी है वो है ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी, उसको हम आगे देखने वाले हैं। उससे पहले हम एक इंपॉर्टेंट चीज यहां पर देखने वाले हैं, पीएच पर क्या इफेक्ट होगा क्रोमेट और डाइक्रोमेट आयन पर, है ना। पीएच अगर हम चेंज कर दे क्रोमेट आयन पर या डाइक्रोमेट आयन पर तो क्या होगा, तो वो हम यहां पर देख लेते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी का भी एक क्वेश्चन है, है ना, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो स्टार बना करके लिखा है मैंने, इंपॉर्टेंट है। क्रोमेट्स एंड डाइक्रोमेट्स आर इंटरकन्वर्टिबल इन एक्वस सॉल्यूशन डिपेंडिंग अपॉन पीएच ऑफ द सॉल्यूशन, है ना। पीएच ऑफ द सॉल्यूशन यानी कि सॉल्यूशन के पीएच पर डिपेंड करता है और ये इंटरकन्वर्टिबल हो जाता है, क्रोमेट डाइक्रोमेट में कन्वर्ट हो जाएगा और डाइक्रोमेट क्रोमेट में कन्वर्ट हो जाएगा, इंटरकन्वर्टिबल हो जाता है पीएच के अकॉर्डिंग। पीएच यहां पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। तो चलिए अब देख लेते हैं पीएच का क्या इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट रिएक्शन जो है इसमें हम क्रोमेट आयन लेंगे और इसकी रिएक्शन हम एसिड के साथ में करवाएंगे। अब एसिड के साथ में करवा रहे हैं यानी कि पीएच क्या होगा, 7 से कम होगा, है ना, लेस देन 7 होगा, ठीक है। तो यहां पर एसिड से रिएक्शन करवा रहे हैं क्रोमेट आयन की, जिसका कलर होता है येल्लो, है ना, इसके क्रिस्टल कैसे होते हैं, येल्लो कलर का। अब ये जो क्रोमेट आयन है 2CrO4 डाई नेगेटिव, इसकी रिएक्शन 2H पॉजिटिव से हुई यानी कि एसिड से हुई, तो यहां पर क्या बनेगा, देखिए Cr2O7 डाई नेगेटिव प्लस H2O का मॉलिक्यूल एग्जिट हो चुका है और ये जो आयन बना है इसको हम कहते हैं डाई क्रोमेट आयन, ठीक है। तो देखिए क्रोमेट आयन से डाई क्रोमेट आयन का फॉर्मेशन हो चुका है, है ना, जब एसिड के साथ में रिएक्शन हुई इसकी, पीएच 7 से हमने कम रखा तो क्रोमेट से डाइक्रोमेट बन गया। अब अगर पीएच हम ज्यादा रखेंगे 7 से ज्यादा, मोर देन 7, तो क्या होगा, जो डाइक्रोमेट आयन है वो कन्वर्ट हो जाएगा क्रोमेट आयन में, है ना। तो देखिए Cr2O7 डाई नेगेटिव जो कि डाइक्रोमेट आयन है, ऑरेंज कलर का होता है, 2OH नेगेटिव यानी कि इसका पीएच 7 से ज्यादा है, मोर देन 7 है ना, एसिडिक मीडियम नहीं है यहां पर, है बेसिक मीडियम। तो यहां पर क्या बनेगा, देखिए ये है क्रोमेट आयन, है ना, 2CrO4 डाई नेगेटिव प्लस H2O का मॉलिक्यूल एग्जिट हो गया। तो इस तरह से पीएच पर इफेक्ट पड़ता है क्रोमेट आयन और डाइक्रोमेट आयन पर, है ना, दोनों इंटरकन्वर्टिबल होते हैं पर ये किस पर डिपेंड करता है, पीएच पर डिपेंड करता है। अगर क्रोमेट आयन की रिएक्शन हमने एसिड के साथ में करवाई तो डाइक्रोमेट आयन बन जाएगा, डाइक्रोमेट आयन की रिएक्शन हमने बेस के साथ में करवाई तो क्रोमेट आयन का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। अब हम इसके बाद में देखेंगे ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज और कुछ आयोनिक रिएक्शंस भी आपकी एनसीईआरटी में है वो हम देखने वाले हैं, ठीक है। अब हम पोटेशियम डाइक्रोमेट की ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी देख लेते हैं।
तो क्या लिखा है ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज में, K2Cr2O7 इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन एसिडिक मीडियम। ठीक है, एसिडिक मीडियम में जो K2Cr2O7 यानी कि पोटेशियम डाइक्रोमेट है वो एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है ना, बहुत ही अच्छा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो इसका रीजन क्या है, यहां पर मैंने जो रिएक्शन लिखी है उससे आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए रिएक्शन देखते हैं। ये मॉलिक्यूलर रिएक्शन है और इसकी आयोनिक रिएक्शन भी यहां पर लिखी हुई है। ठीक है, तो सबसे पहले मॉलिक्यूलर रिएक्शन में हम देखते हैं K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट लिया हमने, एसिडिक मीडियम है यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड लिया है, एक एसिड लिया है H2SO4। ठीक है, अब यहां पर देखिए किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, K2SO4 का प्लस Cr2SO4 का होल थ्राइस भी बनने वाला है। अब यहां पर देखते हैं क्या क्या बैलेंस हो गया है। देखिए K2 बैलेंस हो गया है ना, Cr2 यहां पर भी है। ठीक है, सल्फेट कितने, सल्फेट है हमारे पास 4, तो एक सल्फेट हमने यहां यूज किया और 3 सल्फेट हमने यहां पर यूज कर लिए। ठीक है, यानी कि K2 Cr2 और SO4 ये बैलेंस हो गया। अब बचा क्या हमारे पास, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। ठीक है, तो यहां पर ऑक्सीजन 7 है, हाइड्रोजन कितने हैं 8 है। तो देखिए 4H2 यानी कि हाइड्रोजन तो 8 हो गए, ऑक्सीजन कितने हो गए 4 हो गए। अब यहां पर जो 3 ऑक्सीजन बचे हैं, ये 3 ऑक्सीजन को किस फॉर्म में रहेंगे, यहां पर नेसेंट ऑक्सीजन के फॉर्म में है ना, ये 3 ऑक्सीजन किस फॉर्म में रहेंगे, नेसेंट ऑक्सीजन के फॉर्म में। और ये 3 नेसेंट ऑक्सीजन ही किसका काम करेंगे, ऑक्सीडेशन का काम करने वाले हैं। ऑक्सीडेशन का काम कौन करेंगे, ये 3 नेसेंट ऑक्सीजन। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर रिएक्शन बैलेंस करना जरूरी था तो मैंने आपको यह बता दिया है। ठीक है, अब इसकी आयोनिक रिएक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपकी एनसीईआरटी में आयोनिक रिएक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है। आयोनिक रिएक्शन हमें यहां पर अच्छे से समझनी है, देखनी है। ठीक है, तो देखिए आयोनिक रिएक्शन में हम पोटेशियम डाइक्रोमेट को किस फॉर्म में लिखेंगे, डाइक्रोमेट आयन के फॉर्म में लिखेंगे, तो Cr2O7 डाइनेगेटिव, ये क्या है, डाइक्रोमेट आयन है। अब यहां पर देखिए 14H पॉजिटिव क्यों लिखा है मैंने, 6 इलेक्ट्रॉन्स क्यों लिखा है, चलिए ये रिएक्शन मैं पहले यहां पर आपको बताऊंगा, क्योंकि यहां पर खिचड़ी पक जाएगी, बहुत ही अच्छा लिखा है मैंने आपके लिए। ठीक है, तो मैं आपको यहां पर करके बताता हूं। चलिए देखिए पोटेशियम डाइक्रोमेट को हम किस फॉर्म में लिखेंगे, Cr2O7 डाइनेगेटिव के फॉर्म में। अब यहां पर देखिए H2SO4 यानी कि एसिड है, तो एसिड को हम किस फॉर्म में लिखते हैं, H पॉजिटिव के फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, अब यहां पर देखिए, अब देखिए सबसे पहली बात तो कि K2Cr2O7 में जो क्रोमियम है वो उस पर ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट होगा +6, आप कैलकुलेट कर लीजिए है ना, +6 ऑक्सीडेशन स्टेट होगा इसका। और यहां इसमें देखेंगे हम तो यहां पर सल्फेट -2, 3 × 2 = 6, 2 है हाँ, तो यहां पर जो क्रोमियम होगा वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा है ना, यहां पर है +6 में, यहां पर है +3 में। ठीक है, तो यहां क्या करेगा ये देखिए, +6 से +3 में जा रहा है यानी कि रिड्यूस हो रहा है ना, रिडक्शन हो रहा है, तो कितने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा ये एक्सेप्ट करेगा यहां पर 6 इलेक्ट्रॉन्स है ना, 6 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेगा, सो इसीलिए यहां पर 6 मैंने ब्लैक मार्कर से लिखा था। ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन्स को यहां पर एक्सेप्ट किया और किसमें कन्वर्ट हो गया, 2Cr3 पॉजिटिव में है ना, तो यहां पर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है +6, यहां पर हो जाएगा इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +3। ओके, अब बचा क्या हमारे पास, देखिए अब हमारे पास बचा है ये हाइड्रोजन। ठीक है, अब हाइड्रोजन यहां इस ऑक्सीजन के साथ में मिलकर के क्या बनाएगा, ऑब्वियसली 100% सही बात है ये कि H2O का फॉर्मेशन करेगा है ना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों मिलकर के क्या बनाएंगे, H2O बनाएंगे। अब यहां पर 7 ऑक्सीजन है तो हमने यहां पर 7 ऑक्सीजन लगा दिए, 7 मतलब 7 ऑक्सीजन हो गए और हाइड्रोजन कितने हो गए, 14 हो गए, तो हम यहां पर 14 हाइड्रोजन लगा देंगे। ठीक है, तो देखिए ये रिएक्शन यहां पर बैलेंस किस तरह से हुई है, ये आपको अच्छे से क्लियर है। ठीक है, Cr2O7 डायनेगेटिव, 14H पॉजिटिव, 6 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेंगे है ना। अब देखिए यहां पर इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट किया जा रहा है ना, और एक बात ये भी है कि +6 ऑक्सीडेशन स्टेट से +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा है क्रोमियम है ना, यानी कि ऑक्सीडेशन स्टेट रिड्यूस हो रही है। हमें पता है ऑक्सीडेशन स्टेट रिड्यूस होती है तो वहां पर क्या होता है, रिडक्शन होता है ना, तो यहां पर क्या होगा,
रिडक्शन होगा। अब ये रिडक्शन इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है यानी कि सामने वाले को क्या करेगा, ये ऑक्सीडाइज करेगा। सो इसीलिए ये एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ठीक है, ये रिड्यूस हो रहा है ना। और यहां पर देखिए प्लस सिक्स से प्लस थ्री में जा रहा है यानी कि ऑक्सीडेशन स्टेट रिड्यूस हो रही है। और दूसरा कारण यह भी है कि इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है यानी कि रिडक्शन होता है। तो ये क्रोमियम खुद रिड्यूस हो रहा है तो सामने वाले स्पीशीज को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा। सो इसीलिए ये एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ठीक है। आयोनिक रिएक्शन आई होप आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से एकदम अच्छे से क्लियर हो चुकी है, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, सभी में हम यही रिएक्शन लिखने वाले हैं, आप आगे देखेंगे इसको, ठीक है। चलिए अब आपकी एनसीईआरटी में कुछ रिएक्शंस हैं, उनको हमें सॉल्व करना है। तो फर्स्ट रिएक्शन है यहाँ पर आयोडाइड आयन के साथ में, है ना। जब डाइक्रोमेट आयन आयोडाइड के साथ में रिएक्शन करता है तो क्या फॉर्म होता है, चलिए। तो फर्स्ट रिएक्शन जो लिखेंगे ना, ब्लू कलर में मैंने जो रिएक्शन लिखी है वो सभी में सेम है। आप ये रिएक्शन देखें, ये रिएक्शन देखेंगे और ये रिएक्शन देखेंगे, तीनों ही रिएक्शन बिल्कुल सेम लिखी है ना। ये वाली रिएक्शन है, वो कौन सी रिएक्शन है, ये वाली, ठीक है। देखिए Cr2O7 डाइनेगेटिव प्लस 14H पॉजिटिव प्लस 6 इलेक्ट्रॉन, 2Cr3 पॉजिटिव प्लस 7H2, सभी में यही रिएक्शन लिखी है, इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, मैंने आपको बता भी दिया है क्या चीज़ है, कैसे होगी ये रिएक्शन, ठीक है। अब देखिए आयोडाइड आयन है तो 2I नेगेटिव लिखा है हमने यहाँ पर, 2I नेगेटिव। अब देखिए यहाँ पर ये जो आयोडीन है ना, ये आपने देख लिया हो तो मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा और एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है, रफ कर रहा हूँ मैं इसको। चलिए अब यहां पर देखिए ये जो आयोडीन है ना, यहां पर क्या लिखा है, 2I नेगेटिव। अब देखिए ये आयोडीन जो है ये -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। अब इसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, क्योंकि ये जो डाइक्रोमेट आयन है ये खुद क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है और सामने वाले को क्या कर रहा है, ऑक्सीडाइज कर रहा है, यानी कि ये आयोडाइड आयन क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा। तो देखिए ऑक्सीडाइज कब होता है, जब ऑक्सीडेशन स्टेट कम होती है और फिर ज्यादा हो जाती है, ऑक्सीडेशन स्टेट कम से ज्यादा होती है, लो से हाई हो जाती है, तो उसे हम कहते हैं ऑक्सीडेशन। तो यहां पर -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है आयोडीन, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, I2 में, और यहां पर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट अगर देखेंगे तो 0 रहेगा, ठीक है। अब कैसे हुआ, दो इलेक्ट्रॉन इसने रिलीज कर दिए, दो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए और I2 के फॉर्म में चला गया, यानी कि इसका ऑक्सीडेशन हो गया, ठीक है। तो यहां पर यही लिखा है 2I नेगेटिव, एरो के बाद में है I2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस करने के लिए यहां पर 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई हमने कर दिया है, ये बात आई होप आपको अच्छे से क्लियर है, ठीक है। अब देखिए कुछ नहीं करना है, इलेक्ट्रॉन्स को नहीं लिखना है, हम जो ओवरऑल रिएक्शन लिखेंगे नेट रिएक्शन उसमें इलेक्ट्रॉन्स को नहीं लिखना है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करना है, ओके। तो देखिए Cr2O7 डाइनेगेटिव एज इट इज प्लस 14H पॉजिटिव एज इट इज, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स को नहीं लिखना है। यहाँ पर देखिए 2I नेगेटिव है तो 2 का 3 में मल्टीप्लाई हुआ तो 6I नेगेटिव हो गया, एरो के बाद में देखिए 2Cr3 पॉजिटिव एज इट इज लिखा हमने प्लस 3I2 हो जाएगा मल्टीप्लाई पर और 7H2O एज इट इज लिखा, कुछ नहीं है, बिल्कुल ईजी है, हलवा है एकदम, अगर आपने ये रिएक्शन अच्छे से समझ ली है तो, ठीक है। चलिए सेकंड रिएक्शन देखते हैं, सेकंड किसके साथ में रिएक्शन करवानी है, आयरन सेकंड सॉल्यूशन के साथ में। तो यहां पर आयरन सेकंड सॉल्यूशन जो है उसको ऑक्सीडाइज कर देगा किस में, आयरन थर्ड सॉल्यूशन में, यानी कि फेरस आयन को कन्वर्ट कर देगा, ऑक्सीडाइज कर देगा फेरिक आयन में, Fe2 पॉजिटिव से Fe3 पॉजिटिव में, यानी कि ऑक्सीडेशन कर देगा क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट कम से ज्यादा हो रही है। चलिए ये रिएक्शन तो बिल्कुल सेम लिखी है हमने, ब्लू कलर में मैंने आपको बता दिया था। अब यहां पर देखिए Fe2 पॉजिटिव जो है यहां पर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। अब ये आगे कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, 3 पॉजिटिव, तो देखिए सिंपल सी बात है Fe3 पॉजिटिव हो जाएगा, कितने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को, तो ये एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके Fe3 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया। अब ऑक्सीडेशन स्टेट +2 थी तो यहां पर कितनी हो जाएगी, ऑक्सीडेशन स्टेट +3 हो जाएगी, यानी कि ऑक्सीडेशन स्टेट कम से ज्यादा हुई है, इसका मतलब ऑक्सीडेशन हो गया है ना। तो डाइक्रोमेट आयन ने
आयरन सेकेंड जो सोल्यूशन है उसको किस में कन्वर्ट कर दिया, आयरन थर्ड सोल्यूशन में, फेरस आयन को फेरिक आयन में कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, ओवरऑल रिएक्शन भी आपके सामने लिखी है, बिल्कुल ईजी है, कुछ नहीं करना है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस करना है तो 6 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, बस रिएक्शन आपके सामने है, मल्टीप्लाई तो आपको आता ही है। ठीक है, चलिए अब थर्ड है H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड। अब हाइड्रोजन सल्फाइड को ऑक्सीडाइज करके ये किस में कन्वर्ट करता है, सल्फर में कन्वर्ट करता है ना। चलिए अब ये रिएक्शन तो बिल्कुल सेम है, H2S। अब यहां पर अगर सल्फर को हम देखें, सल्फर को अगर हम देखें तो कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में है, -2 में है। देखिए मैं निकाल के बताता हूं आपको, H2S हाइड्रोजन पे +1 होता है, तो दो हाइड्रोजन है +2 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 0, तो एक्स इज इक्वल्स टू ये उधर जाएगा -2, यानी कि सल्फर पे -2 ऑक्सीडेशन स्टेट है ना, सल्फर -2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है। अब ये -2 से देखिए किसमें कन्वर्ट हो रहा है, सल्फर 0 में कन्वर्ट हो रहा है ना, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, 0 है ना, यानी कि ऑक्सीडेशन स्टेट कम थी, -2 थी, तो किसमें कन्वर्ट हो रही है, 0 में है ना, 0 में जा रही है, यानी कि कम से ज्यादा हो रही है, यानी कि ऑक्सीडाइज कर रहा है ये। ठीक है, तो ये रिएक्शन तो बिल्कुल सेम है, यहाँ पर H2S किसमें कन्वर्ट हो रहा है, सल्फर में, 2H पॉजिटिव भी होंगे यहाँ पर। अब 2H पॉजिटिव कब होंगे, जब दो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, तो ये दो इलेक्ट्रॉन हो गए। अब इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करना है, 6 है यहाँ पर, 2 है तो 3 से मल्टीप्लाई हम कर देंगे। ठीक है, तो अब देखिए कुछ नहीं करना है, देखिए Cr2 यहाँ पर थोड़ा सा चेंज होगा है ना, वो मैं चेंज आपको बताऊंगा। देखिए Cr2O7 डाई नेगेटिव एज इट इज, प्लस यहाँ पर 14H पॉजिटिव है, यहाँ पर 8H पॉजिटिव है, तो यहाँ पर कुछ नहीं करना है, 2, 3, 6H पॉजिटिव हो जाएंगे, तो 14H पॉजिटिव -6H पॉजिटिव टोटल हो जाएंगे 8H पॉजिटिव। ठीक, अब यहाँ पर क्या बचा, 3H2S है ना, H2S का 3 में मल्टीप्लाई हुआ, 3H2S, बाकी सेम है, 2Cr3 पॉजिटिव प्लस 3S, ठीक है, 3S प्लस 7H2। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। तो आई होप आपको आज बहुत ही बढ़िया तरीके से ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी पोटेशियम डाइक्रोमेट की क्लियर हो चुकी है। एक चीज और बचती है यहाँ पर, इसके यूजेस कहाँ पर इसका यूज किया जाता है, तो फर्स्ट इसका यूज है एजो डाइज में, है ना, एजो यानी कि नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स होते हैं, एजो ग्रुप जिनमें प्रेजेंट होता है, तो एजो डाइज में इसका यूज होता है। सेकेंड है लेदर इंडस्ट्रीज में इनका यूज होता है, ठीक है, लेदर इंडस्ट्री में। और थर्ड है लेबोरेटरी में इसका यूज होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में। ठीक है, क्लियर है, तो आई होप आपको अच्छे से सब कुछ क्लियर हो चुका है। देखिए मेहनत बहुत की है आपके लिए, प्लीज़ गाइज वीडियो देखने के बाद लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा सभी फ्रेंड्स के साथ में, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। ओके।